वर्ष 2019 के आखिरी दिन और नए साल के स्वागत के लिए जहां पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज और धर्मशाला तैयार है, वहीं पर्यटकों की आमद भी यहां शुरू हो गई है। नए साल के स्वागत के लिए मैक्लोडगंज के क्लब हाउस में बिग सेलिब्रेशन होगा। वहीं भागसू क्वीन, बेस्ट कपल और बेस्ट चाइल्ड डांसर का चयन किया जाएगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए होटल कारोबारियों ने खास तैयारियां कर रखी है। इसके अतिरिक्त निजी होटल उद्यमियों ने भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए खास इंतजाम किए हैं। मैक्लोडगंज व धर्मशाला में नववर्ष मनाने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर दो रिजर्व गार्ड तैनात रखेगी। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस भी व्यवस्था पर नजर रखेगी। पर्यटन निगम और निजी होटल कारोबारियों की माने तो पर्यटकों और लोगों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर उत्साह तो है, लेकिन पिछले वर्षों की अपेक्षा पर्यटकों की आमद कम है। पर्यटन निगम अधिकारियों की माने तो वर्तमान में निगम के होटलों में 60% ऑक्यूपेसी है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 40% कम है। वहीं निजी होटल कारोबारियों का कहना है कि इन दिनों निजी होटलों में 50% ऑक्यूपेसी दर्ज की जा रही है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कम है। पर्यटन निगम कांगड़ा के DGM अश्विनी सोनी ने कहा कि न्यू ईयर के लिए निगम के होटल पूरी तरह तैयार है। मैक्लोडगंज के क्लब हाउस में भागसू क्वीन का चयन होगा, वहीं बेस्ट कपल और बेस्ट चाइल्ड डांस के खिताब भी दिए जाएंगे। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दो एक्स्ट्रा रिजर्व्स की भी डिमांड की गई थी, जो मैक्लोडगंज में स्टेशन कर दी गई है। लगभग 40 से 50 पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात रहेंगे रात को 2 बजे तक, और लगभग दो रिजर्व 50-60 लोग जो हैं डिफरेंट जगहों पर, नड्डी में, भागसुनाग में, धर्मकोट, डल लेक और मैक्लोडगंज चौक, कोतवाली बाज़ार में तैनात रहेंगे, ताकि व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की कोई परेशानी या प्रॉब्लम जो लोग नववर्ष मनाने के लिए आए हैं उनको ना हो। सिर्फ मेरा एक अनुरोध सब लोगों से रहेगा, जो लोग नववर्ष मनाने के लिए धर्मशाला मैक्लोडगंज में आए हैं, हिली एरिया है, जो भी व्यक्ति गाड़ी चलाएँ वो किसी भी तरह का मदिरापान, शराब या किसी तरह की ड्रग का इन्फ्लुएंस में ना रहें। मैं जगह जगह पर इस बात के लिए अल्को सेंसर्स के साथ नाके लगा रहा हूँ, और हम लोग कड़ाई से इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि ड्राइवर्स जो भी कोई हैं उन्होंने किसी तरह से कोई किसी मद्यपान का सेवन ना किया। HPTDC ने हर एक साल की तरह, लास्ट ईयर की तरह, उसके पिछले सालों की तरह, इस साल भी हमने सारे के सारे होटल्स को सजाया हुआ है, लाइटिंग का प्रावधान किया हुआ है सारी होटल्स में, और इसके अलावा हम मेन फंक्शन जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो DJ के साथ ऑर्गेनाइज करेंगे, वो हमने डेस्टिनेशन चूज़ किया क्लब हाउस मैक्लोडगंज होटल भागसू के साथ। तो उसमें हमारे आजूजन में बेस्ट डांसिंग कपल होगा, बेस्ट डांसर होगा, प्लस फीमेल डांसर होगा, बेस्ट चाइल्ड डांसर होगा। इसके अलावा भागसू क्वीन को भी चुना जाएगा। वहाँ पर्यटक हमारे मिक्स होते हैं, जैसे मैक्लोडगंज में स्पेशल हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हमारे सैलानी बाहर विदेशी स्वदेशी दोनों ही आते हैं। तो उसमें हमने स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्टर से लेके स्नैक्स सर्व करते हैं, और लाविश डिनर का भी आयोजन किया होता है, जिसमें मिक्स हिमाचली व्यंजनों का प्लस कॉन्टिनेंटल और इंडियन डिशेज हम प्रोवाइड करते हैं सभी को। जैसे इस साल सारे के सारे सालानी जो हमारे इसमें जूजन में फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो उसका लुत्फ उठा सके। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।